नमस्कार दोस्तों, दुर्गा टेलर के तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में ब्लाउज का बैक नेक डिजाइन बनाना बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने शोल्डर और आर्म होल दोनों कट कर लिया है। शोल्डर हम 6.5 इंच रखा है और आर्म होल भी 6.5 इंच रखा है। ब्लाउज का लेंथ हमें 13 इंच रखना है, 1 इंच प्लस करके 14 इंच लिया है। फिर सिर्फ हमें गले की कटिंग करना है। 34 चेस्ट साइज का ब्लाउज है तो चेस्ट का चौथा भाग लिया है 8.5 इंच और यहाँ पर 2 इंच मार्जिन लिया है। अब हम सिर्फ गले की कटिंग करना है फ्रेंड्स। तो बोट नेक गले पर डिजाइन बताएंगे फ्रेंड्स। गले की चौड़ाई 4 इंच रखेंगे। सबसे सरल तरीका है फ्रेंड्स, यहाँ से हमें सिलाई के लिए 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए और यहाँ से जितना भी आपको पट्टी रखना है उसके हिसाब से यहाँ पर पट्टी रखकर पूरे गले का निशान लगा देंगे। अभी हमें 3.5 इंच रखना है तो हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। मार्जिन में जाएगा फ्रेंड्स 1/2 इंच। इसके बाद यहाँ पर भी 4 इंच रखेंगे गले की चौड़ाई। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक बॉक्स बना लेंगे निशान लगा करके इस तरह से। फिर से यहाँ पर 3 इंच रखेंगे और यहाँ से भी 3 इंच रखेंगे। इसके बाद यहाँ से इस तरह से गोलाई दे देंगे। फिर मक्का गला को डिजाइन बनाना बताएंगे। इस तरह से गला का सेप दे देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने गले का सेप दे दिया है। इसको अच्छी तरह से डार्क कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद इस तरह से अस्तर को उठाएंगे और इस तरह से पलट देंगे। दूसरे साइड में इस निशान को ले लेंगे फ्रेंड्स इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, हमारा दूसरे तरफ भी यह निशान आ गया है। तो इस तरह से यहाँ पर भी डार्क कर लेंगे अच्छी तरह से। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से गला का सेप है। कपड़ा को सीधे करके इस तरह से बिछाएंगे। इसके ऊपर फ्रेंड्स अस्तर को बिछा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बिछा लेंगे कपड़े को। कपड़े और अस्तर में इस तरह से पिन लगा करके रोक लेंगे। कपड़ा खिसके नहीं गले का सिलाई लगाएंगे फ्रेंड्स। यहाँ से इस तरह से घूमाते हुए रखेंगे इस तरह से। और यहाँ से भी 1/2 इंच बीच में कपड़ा छोड़ते हुए यहाँ से इस तरह से लाएंगे सिलाई को। उसके बाद इस तरह से लाते हुए पूरे गले पर इस तरह से सिलाई चला देंगे। कमर में भी इस तरह से पूरी सीधी सिलाई कर लेंगे फ्रेंड्स। यहाँ से इस तरह से पूरा सीधी सिलाई 1/2 इंच का कपड़ा लेते हुए। चलिए फ्रेंड्स, हम गले पर सिलाई लगा लेते हैं और कमर में भी सिलाई लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, हमें इसी निशान के ऊपर सिलाई को चलाना है। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, अब कमर में भी हम सिलाई लगा लेते हैं इसी तरह से। देखिए फ्रेंड्स, हमने गले पर सिलाई लगा लिया है और इधर कमर में भी सिलाई लगा लिया है। अब हम गले के अंदर का इस कपड़े को कट कर देंगे। ये सिलाई से 1/2 इंच कपड़ा
छोड़ते हुए, यानी सिलाई हमारा यहाँ पर है निशान के ऊपर, तो हम आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए पूरे गले को कट कर देंगे। यहाँ पर बीच सेंटर में इस तरह से काटेंगे। फ्रेंड्स हमने गले को कट कर लिया है, इसके बाद पूरे गले पर इस तरह से कट लगा देंगे। ध्यान रहे दोस्तों कि सिलाई कटे नहीं। देखिए फ्रेंड्स हमने पूरे गले पर कट लगा लिया है, अब हम इस पिन को निकाल देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स इस तरह से कमर के साइड से इस तरह से हाथ डालते हुए इस तरह से कपड़े को पलट करके सीधा कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमने इस कपड़े को पलट कर सीधा कर लिया और यहाँ पर पिन या सुई के मदद से इस कोने को अच्छी तरह से निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए पिन के मदद से ही कितना अच्छा से हमारा नख निकल गया है। देखिए फ्रेंड्स हमने पलट कर कपड़े को सीधा कर लिया है, अस्तर बाहर ना निकले ध्यान देते हुए इस तरह से पूरे गले पर सिलाई लगा कर लेंगे। हम पूरे गले पर कमर में भी सिलाई लगा लेंगे, अच्छी तरह से सिलाई लगाना है फ्रेंड्स। ध्यान रहे दोस्तों अस्तर बाहर ना निकले। देखिए फ्रेंड्स हमने कमर में भी सिलाई लगा लिया है और गले में भी सिलाई लगा लिया है। अब हम अस्तर और कपड़े को बराबर से चारों तरफ से सिलाई लगाकर स्टिच कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये हमने गले को तैयार कर लिया है, अब इस पर सिर्फ हमें डिजाइन बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स मैं अपने साड़ी से मैचिंग करते हुए ये कपड़ा लिया है डिजाइन बनाने के लिए। साड़ी हमारा इसी कलर का है, इसी कपड़े से हम डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से डिजाइन बनाने के लिए पट्टी कट कर लिया है, सीधी पट्टी कट किया है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से इस पट्टी में सिलाई लगाएंगे, दोनों पट्टी को एक साथ जॉइंट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स हमने जॉइंट कर लिया है, अब हम इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा करके पट्टी पे। देखिए फ्रेंड्स इस पट्टी पर हमने सिलाई लगा कर लिया है, देखिए पूरी सिलाई लगा लिया है। अब हम सुई के मदद से इस पट्टी को पलट कर सीधा कर लेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पट्टी तैयार कर लिया है डिजाइन को बनाने के लिए। अब हम इसे 1.5 इंच का कट कर लेंगे। डेढ़ इंच का कट कर लिए हैं इस तरह से। अब हम डिजाइन बनाएंगे फ्रेंड्स। पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से यहाँ पर और गले पर सिलाई से अटैच कर देंगे इस तरह से। फिर उस पट्टी को हम आधा आधा इंच की दूरी पर लगाएंगे, बराबर दूरी पर। फ्रेंड्स, हम पट्टी को पूरा लगा लेते हैं, फिर हम आगे का डिजाइन बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये पूरे गले पर इस तरह से डिजाइन को बना लिया है। इसके बाद अब हम लेस लगाएंगे। लेस को हमें इस तरह से लगाना है फ्रेंड्स, यहाँ से लगाना शुरुआत करेंगे और इस तरह से लेस को लगाएंगे फ्रेंड्स पूरे गले पर। कोने पर भी लेस को इस तरह से घुमाते हुए लगाएंगे फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, दूसरी तरफ भी इसी तरह से लेस पर सिलाई चला लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, गले पर डिजाइन बना लिया है और लेस भी लगा लिया है। और डिजाइन बनाने के लिए रेडीमेड डोरी लेंगे फ्रेंड्स। आगे का डिजाइन बनाने के लिए रेडीमेड डोरी लिया है और इस डोरी को इस तरह से पिन की सहायता से डिजाइन के अंदर डाल लेंगे इस तरह से। इसी तरह से फ्रेंड्स, पूरे गले के डिजाइन में डोरी को डाल लेंगे। इस तरह से हम डोरी को डाल लिया है डिजाइन के अंदर। हम इस तरह का मोती लिए हैं, इस मोती को हम डिजाइन के ऊपर लगाएंगे सुई के मदद से। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मोती को लगाएंगे। दो मोती लगा लिए हैं। इसी तरह से पूरे मोती के साथ इस डिजाइन को बना लेंगे।
इसी तरह से पूरे डिजाइन के ऊपर मोती को लगाकर फिर हम दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा डिजाइन बनकर तैयार है। अब हमें एक सिर्फ प्लेट लगाना है, तो प्लेट डाल लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारा ये डिजाइन बनकर पूरा तैयार है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा आज का डिजाइन आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर डिजाइन पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे हमारा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।